Thank you.
सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मी असंख कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करी। तदनंतर उपस्थित पूजनीय सन्यासीगण तथा समस्त वैष्णव वृंद, समस्त सज्जन वृंद, मातृमंडली सकल के आभार यथा योग्य प्रणाम। आज हमारे श्री धाम नवद्वीप परिक्रमा तृतीय दिवस अति सुष्ठु भावे सुसंपन्न रहे, जार मध्य गंगा पार कर भद्रम द्वीपे जाए সেই গঙ্গার পুলিনে পরিক্রমা করতে করতে আমরা সুরভি কুঞ্জে উপস্থিত হই। সুরভি কুঞ্জের থেকে সানন্দ সুখদ কুঞ্জে, যেখানে শিল সচিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, যিনি নিজেকে কমল মঞ্জরী নামে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, সেই প্রজভাবে বিবাহিত হয়ে নিরন্তর গৌর কৃষ্ণের আরাধনায় তিনি ব্যস্ত হয়েছেন। যেখানে থেকে গৌর ধাম, গৌর নাম, গৌর কাম এই তিন কার্য সমাধান করেছে এবং নামহট্টের ঝাড়ুদার হয়ে তিনি হরিনামে হরিনাম জগতে বিলাইলেন, নামহট্ট খুলাইলেন। এটা ঘরে শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশন করে লেখন কার্যের দ্বারা তিনি এক অনুপম ভক্তি গঙ্গা ধারাকে প্রকাশিত করে দিলেন, যাহা আজকে বিশ্বব্যাপী সেই স্রোত প্রবাহিত হল। এইভাবে আমরা তার নিকটে কৃপা ভিক্ষা করে ওই স্থান থেকে হরিহর ক্ষেত্রে যাই। হরিহর ক্ষেত্রে যেখানে হরি এবং হর এক আত্মা স্বরূপে এক স্বরূপে গৌর প্রেমে বিবাহিত হয়ে অবস্থান করছে, সেই হরিহর ক্ষেত্র থেকে আমরা সুবর্ণ বিহার, যেখানে রাজা সুবর্ণ সে গৌর সুন্দরের আরাধনা করে তাহার দর্শন লাভ করেছিলেন, সেই সুবর্ণ বিহার হয়ে আমরা দেবপল্লী নৃসিংহপল্লীতে যাই, যেখানে ভগবান নরসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করবার করে বিশ্রাম করেছে। সমস্ত দেবতাগণ যেখানে এসে তাহার স্তুতি প্রার্থনা করেছে, সেই জন্য দেবপল্লী নামেতে বিখ্যাত শ্রী নরসিংহদেব যেখানে বিরাজমান। আমরা সেই স্থান দর্শন করে কীর্তন অল্প কিছু কথা বলন করে ওই স্থান থেকে আমরা হংস বাহন হয়ে আসি, যেখানে চতুর্মুখ ব্রহ্মা ভগবান শ্রী গৌরহরির আরাধনা করেছিলেন, সেই হংস বাহন স্থান হয়ে পুনরায় আমরা শ্রীমঠে এখানে উপস্থিত হই। আজকের যে বক্তব্য বিষয় সেই সমস্ত কথাগুলি কিছু বর্ণনা হয়েছে এবং এই সভাতেও আজকে বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখতে আমরা শ্রবণ করবার জন্য প্রয়াস। তাই প্রথম দৃষ্টিয়া আর আমাদের পূজ্যপাদ শ্রী রসানন্দ প্রভুর তিনি আপনাদের নিকটে এই সমস্ত বিষয়ে অতি সংক্ষেপে কিছু ভাষণ প্রদান করবেন, তাহার বক্তব্য রাখবেন। ওম অজ্ঞানতি নিরামুদ্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুর্মীলিতম যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় ইষ্টদালয়, কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায়
सर्वगर्भस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रियाद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द मेरे साथ में हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राज आचार्य नित्यदल स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदलिपाद गण वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्री धाम नवद्वीप परिक्रमा करते करते सर्वप्रथम हम लोग बोधरूम में गए थे। पहले हम लोगों ने श्रवण किया है यहाँ का एक एक जो दीप है एक एक भक्ति का अंग है और एक एक भक्ति की अंग जाने में करने पर जीव को भगवत भक्ति की प्राप्त भगवत प्राप्त हो जाता है। जिसको प्रह्लाद महाराज ने बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्याय तन्मन्ने धीतमोत्तमम्। इसी श्लोक को ऊपर में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में बताते हैं कहते इति पुंसा यहाँ पर बताए भगवत भक्ति मात्र कहते पुंसा मतलब पुरुष मात्र में ही कहते क्या स्त्रियों का अधिकार नहीं है कहते नहीं कहते हर व्यक्ति मात्र का ही भगवत भक्ति में अधिकार है। इसलिए इति पुंसार पिता विष्णु वहां पर एक शब्द आया अध्याय अध्याय मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कहते सकल साधन श्रेष्ठ इस नौ विद्या भक्तियों में अगर कोई एक भक्ति को अगर कोई सही सही जाजन करे तो कहते एक भक्ति की अंग जाजन करने पर उसको भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और हम लोग एक एक साथ में ये नवद्वीप मतलब जो एक दीप में जाने पर एक भक्ति अंग जाजन करने का जो फल कद जीव को अपनी आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज हम जिस गोद्रुम में गए थे कद वो भक्ति का कौन सा अंग है कद ये भक्ति का ये कीर्तन आख्या भक्ति है। भगवत कीर्तन जाजन करने पर जीव को जो कुछ प्राप्त होगा कद वो दीप में जाने पर जीव को अपनी आप भक्ति का निदान करने का फल मिल जाएगा। इसलिए जितने सारे भक्ति अंगों में ये कीर्तनाख्या भक्ति को सर्वश्रेष्ठ रूप में बताया इसलिए कहते नौ तरह का भक्ति में फिर पांच तरह का भक्ति को सारांश रूप में बताया फिर पांच तरह का भक्ति में कहते तीन तरह का भक्ति को सर्वश्रेष्ठ रूप में बताया श्रवण कीर्तन और स्मरण कहते तीन तरह का भक्तियों में कभी सर्वश्रेष्ठ भक्ति किया कभी भगवान का जो कीर्तन आख्या भक्ति कभी सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए सकल साधन श्रेष्ठ कभी सारे साधन में ये कीर्तन आख्या भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। कभी एक कीर्तन आख्या भक्ति का अगर कोई जाजन करे उसको नौ तरह का जो भगवत भक्ति अंग की फल उसको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भागवत ने बताया तस्मात् सर्वात्मना भारत भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कृतितव्यश्च
स्मर्तव्य इच्छता अभयम्। अगर कोई अभय बनना चाहते थे तो क्या करे, श्रोतव्य कृतितव्य स्मर्तव्य इच्छता अभयम्। तो तीन तरह का भक्ति जागृत करें, श्रवण कीर्तन और स्मरण। कहते ये तीन तरह का भक्ति में मेरे धर्म में देखो, कहते श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये कहते कीर्तन को बीच में रखा। बोले क्यों, कहते जो कीर्तन है क्या भक्ति, ये श्रवण को भी पुष्टि करता है, और जो कीर्तन करेंगे जो श्रवण करेंगे वही फिर स्मरण को भी पुष्टि करता है। जैसे बीच का व्यक्ति ये दोनों व्यक्ति को मदद कर सकता है, उसी तरह ये कीर्तन का भक्ति को ये बीच में रखा गया। किसी किसी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तीन तरह का भक्ति में देखो जो स्मरण जो भक्ति है वो सबसे कठिन है। कीर्तन तो कोई आसानी से कर सकता है, श्रवण भी आसानी से कर सकता है, लेकिन जो स्मरण के लिए आपको एकाग्रता की विशेष जरूरत है, तब जा करके कोई स्मरण कर सकता है, तो स्मरण नहीं हो सकती। लेकिन ये कीर्तन का सर्वश्रेष्ठ कैसे बता दिया, तो यहाँ विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर ने कहा कोई वस्तु कठिन से प्राप्त होता है इसलिए उसको श्रेष्ठ नहीं बताया जाएगा। कहते एवरेस्ट में चढ़ना भी तो बहुत कठिन है, तो उसको ही श्रेष्ठ बता दो, बोले नहीं। इसलिए जैसे कोई कथा श्रवण कर रहे हो, अगर यहाँ पर बैठ बैठ करके हम जोर जोर से कीर्तन करें, आप कथा सुन सकते हो नहीं। कोई बैठ करके स्मरण कर रहे हैं, अगर हम बैठ करके यहाँ पर जोर जोर से कीर्तन करना शुरू कर दे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। अगर हम जोर जोर से कीर्तन करेंगे, अगर बैठ कर कोई स्मरण कोई संध्या जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, भले यहाँ पर मैं स्मरण कर रहा हूँ, इसका मतलब है ये कीर्तन का भक्ति की इतने महत्व है, आप जो स्मरण कर रहे हो उस स्मरण को तोड़ दिया। महाप्रभु ने बताया परम विजय के श्री कृष्ण संकीर्तन। और भागवत का जो प्रथम जहां से शुरुआत होता है, तद एतत् विद्यमानानां इच्छताम् अकुतभयम् योगिनां निर्पतिर्नितम् हरे नामानुकीर्तनम्। भागवत का शुरू में ही आता है, परीक्षित महाराज जो प्रश्न करते हैं, कहते हरे नामानुकीर्तनम्, कहते हरि का जो नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ। जब भागवत का समाप्ति में वहां पर भी कीर्तन की सर्वश्रेष्ठता, कहते नाम संकीर्तनम् जस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणाम दुख समनम् तम नमामि हरि पर। भागवत का जो अंतिम श्लोक है वो भी नाम संकीर्तन को ही स्थापन करता है। इसलिए जितने सारे शास्त्र है, सारे शास्त्र में ये परम संकीर्तन को ही पुष्टि करता है। संकीर्तन धर्म ही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ के धर्म है। इसलिए कहते आज जो गोद्रुप में हम गए थे, कहते वहां जाने पर वहां केवल वहां के स्पर्श करने पर वहां का धूल को स्पर्श करते ही ये कीर्तन का भक्ति का फल अपने आप हमको प्राप्त हो जाएगी। देखो कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए वो स्थान का नाम वो ध्रुव है। कहते वहां का दूसरा विशेषत्व क्या है, कहते उनकी दूसरे विशेषत्व है वहां जाने पर और क्या हम मिलेगा, कहते जो नवद्वीप था कहते मुक्त वृंदावन है, इसलिए वृंदावन में जाने का जो फल कभी यहाँ आने पर आप मिल जाएगा। ए कमताल के बजा छे, कमताल के बजा छे, कहने के कमताल बजा छे केशव बगल देश अच्छे उजाले हुलु धनी नादा कमताल लग जाए। अतः कभी गुप्त वृंदावन होने का नाते कभी यहाँ पर एक एक दिन में जाने पर कभी वृंदावन का ही फल मिल जाएगा। कभी आज जो गोत्र में गए थे
कौन सा स्थान वृंदावन की, कहिए नंदगांव है। नंदगांव में आप लोगों को पता है नंदगांव कितने महत्व है, जहां पर उद्धव नंदगांव पर गए, जहां पर उन्होंने गोपी प्रेम के झंडा को उन्होंने गाड़ दिया है, जहां पर उद्धव जाय ने जहां पर श्री राधा रानी को जब ब्रज गोपियां ले जाती हैं, कहते उद्धव जी देखो हमारा श्री किशोर जी का क्या अवस्था है, जहां पर श्री राधा रानी को कमल पुष्पों का सज्जा बना करके राधा रानी को सुला करके रखे, उनका शरीर में अगुर चंदन कर्पूर की लेपन करते हैं, लेकिन राधा रानी ऐसे कृष्ण विरह में ऐसे उनको शरीर में पीड़ा भी नवकाल पुनता गर्भ से निर्वासन जिस विरह में डूबी हुई और एकदम कमल पुष्प थोड़ी देर में ही एकदम चुर चुर हो जाती है, जहां पर भ्रमर आकर के राधा रानी का चरण बैठने के प्रयास करता है, जहां पर राधा रानी मानित होकर के तरह तरह कृष्ण को उलाहना देती है, जिस प्रेम को दर्शन करते हुए उद्धव जैसे व्यक्ति ब्रज गोपियों की चरण धूलि और वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिस्पर्श, जहां पर श्री राधा रानी की चरण की एक धूल की उद्धव कहा वंदना करते हैं, इसलिए गोपी प्रेम को श्याम सुंदर ये उद्धव जी को देख करके गोपी प्रेम ही जगत में सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, जहां पर यही पर स्थापन किया है, इसलिए जो उद्धव क्यारी कहते नंदगांव के अंतर्गत है वो विरह का स्थान है, इसलिए गोद्रुप में जाने पर अपने आप हमें नंदगांव में जाने का उद्धव क्यारी में जाने का तेज कदम में जाने का पावन सरोवर चरण पहाड़ी में जाने का फल अपने आप हमें मिल गया है। हाँ, वो स्थान और क्या है, कहते वो भांडरी मठ है, आप लोगों को पता है भांडरी मठ में कृष्ण कैसे सखाओं के साथ में बैठ करके कैसे वहीं पर कलेवा करते थे, और वहीं पर कैसे श्री श्याम सुंदर के साथ में श्री किशोर जी की मल्ल युद्ध हुई है, अब मल्ल युद्ध में जहाँ पर श्री किशोर जी श्री श्याम सुंदर को पछाड़ देते हैं, पछाड़ देने पर सारे सखियां बड़े प्रसन्न होकर के ताली बजाती है, कहते हमारे किशोर जी को श्याम सुंदर को पछाड़ दिया, कृष्ण ने कहा भाई क्यों हंस रहे हो, कहते आपने फेल हो गया, बोले कैसे फेल हो गया, जो फेल हो जाता है उसका नाक नीचे होता है और जो जीत जाता है उसका नाक ऊंचा होता है, किसका नाक नीचे और किसका नाक ऊपर है, क्योंकि नीचे पड़े श्याम सुंदर उनका नाक ऊपर है, राधा रानी को ऊपर है तो राधा रानी का नाक नीचे है, इतने में सखाओं ने कहा सही बात है हमारे कन्हैया जी किया है, इसलिए जहाँ पर ये सारी को सारी लीला हुई थी, तब इसलिए कहते कि ये बद्रूम में जाने पर अपनी आप हम लोगों को वो भांडरी मठ में जाने का भी फल हमें अपनी आप प्राप्त हो गया है, और क्या फल प्राप्त हुआ है, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जब बद्रूम में आते थे तब अभिन्न नंद गांव कृष्ण जैसे घर घर में ब्रज गोपियों को घर घर में जाकर के श्याम सुंदर मक्खन चोरी करते थे, घर घर में जैसे खाते थे, जब श्री श्याम सुंदर जब राधा भाव दूध सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, जब ये राधा कांति और श्री राधा रानी का भाव को लेकर के आए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, जब गोद्रूप में आते थे उनका हृदय में वही भावना प्रकट हो जाता था, इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु घर घर में जाकर के दूध और दही दही को भिक्षा करते थे, और दूध का लगलगी बगला में एक वस्तु है उसको बना करके महाप्रभु खाते थे, और भाव में श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भाव में नंदगांव में भाव में जैसे सखाओं को साथ में गैया चराते थे उसी भाव में विभोर हो जाते थे महाप्रभु वहीं पर, और वहीं पर जैसे वृंदावन में जाओ लोग क्या बोलते हैं राधे 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 राधे, हाँ, और वहाँ के लता पता वृक्ष सबके सब क्या बोलते हैं, बोले लता भी बोले राधे कुंज भी बोले राधे, लता भी बोले राधे कुंज भी तोता भी बोले राधे तोता भी बोले राधे तोता भी बोले राधे मयूर भी बोले राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो गैया भी बोले
राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। दुख के भार से आवाज आई राधे राधे, दुख के भार से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो। जैसे वृंदावन में सब के सब राधे राधे बोलते हैं, कभी यहाँ के सब के सब, यहाँ का वृक्ष कोयल सब के सब क्या बोलते हैं? निताई निताई गौर गौर, सब के सब निताई निताई गौर गौर, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेते हैं। इसलिए वो स्थान का नाम गोद्रुम है। अभी उसका नाम कहते गाती गाछा कहते हैं, लेकिन इसका नाम मूल नाम गोद्रुम है। गो मतलब गैया, ध्रुव मतलब होता है वृक्ष। जब इंद्र ने कृष्ण का चरण में उन्होंने अपराध किया है, कहते अपराध करने पर कहते ब्रज में इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया था। इंद्र सोचता था कि ब्रजवासी तो हमारे प्रजा और हम उनका राजा है, अगर मैं बारी नहीं बरसाता तो ये सब के सब ब्रजवासी मर जाएंगे। उन लोगों के अंदर ऐसी भावना थी। कृष्ण ने कहा क्या कि ब्रजवासी हो गए प्रजा और तू हो गया राजा, और तू बारी बरसा नहीं बरसाओगे तो ब्रजवासी भूखे के भूखे मर जाएंगे, तेरे को ये इंद्र पद किसने दिलाया? कहते बामन अवतार में मैंने ही तुमको ये इंद्र पद दिया है। और बामन देव कौन है? बोले कृष्ण का अंश का अंश का अंश अंश है। साक्षात मैं यहाँ ब्रजेंद्र नगर रूप में प्रकट हुआ हूँ, और मेरे जितने राधा रानी जितने सखा पिता माता ये सबके सब प्रकट हुए। जिस नंद बाबा का जुति को मैं स्वयं धारण करता हूँ, जिस ब्रज गोपियों के चरण में मैं स्वयं प्रेम की भीख मांगता हूँ, जिस सखाओं को मैं स्वयं जुगन गाता हूँ। और ये इंद्र सोचता है अभी बन गया राजा और ये सबके सब प्रजा हो गए, अभी तुमको दिखा देता हूँ। इसलिए श्री श्याम सुंदर श्री गिरिराज गोवर्धन पूजा को प्रवर्तन करने के लिए अगर ब्रजवासियों का कोई आराध्य तो केवल ये गिरिराज गोवर्धन ही है। ये चीज को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने इंद्र पूजा कैसे बंद करवाया और कैसे इंद्र कोपित तो होकर के कैसे उन्होंने बारी वर्ष किया है। उसको बाद में इंद्र को जब पता चला ये कृष्ण कोई साधारण नहीं, एक दूत को भेजा देख करके आओ तो क्या स्थिति है, एक दूत ऊपर ऊपर देख कर गया मतलब ब्रज में तो एक चीटी तक भी नहीं है, दूसरे को भेजा तुम देख करके आओ, वो नीचे आकर के देखा एक चीटी भी नहीं बना। किंतु सब के सब ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन को नीचे कृष्ण कनिष्ठ अंगुल पर गिरिराज को धारण करके रखे, और जितने सारे ब्रजवासी कृष्ण का मुखचंद्र को दर्शन करते हुए प्रेम में सबके सब डूबे हुए। इंद्र को जब पता चला कृष्ण स्वयं भगवान, इंद्र आकर के कृष्ण के चरण में माफी मांगते हैं। कृष्ण तो माफ किया है लेकिन हृदय से उन्होंने नहीं किया, इसलिए इंद्र के अपराध से मुक्त पाने के लिए सुरभि गाभी की आनुगत्य में इसी गोद्रुम में, वो मतलब गैया सुरभि गाभी, ध्रुव मतलब यहाँ पर एक विशाल वटवृक्ष था, जिस वटवृक्ष के नीचे श्री सुरभि गाभी को लेकर के इंद्र ने यहीं पर उनको उपासना की है। उपासना करने पर भगवान उनको कृपा करके दर्शन दिया, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी उनको दर्शन दिया है। तद में यहीं पर कलयुग में सचिनंदन गौर हरि हो करके जगत में ये कृष्ण प्रेम को मैंने विदर्भ करूंगा, यहीं पर उन्होंने कृपा की थी। अभी प्रश्न होता है अगर कोई अपराध करे तो उसको दंड मिलनी चाहिए, लेकिन इंद्र को दंड क्या मिला? इंद्र को तो ब्रजधाम ये श्री नवद्वीप धाम में पास मिल गया, कहाँ पर गोद्रुप में असख्यात चैतन्य महाप्रभु का कृपा चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिला, उनको दंड कहाँ मिला? दंड तो मिली नहीं, उनको तो आनंद ही आनंद। महाप्रभु का भक्ति प्राप्त करना, महाप्रभु का दर्शन करना कोई साधारण बात नहीं, लेकिन उन्होंने कैसे किया है? इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जब तो देखो चैतन्य हरि से सब चैतन्य लीला पुष्टि गए। इसका तात्पर्य है कृष्ण लीला में बा गौर लीला में जिन जिनियों को हम देखते हैं ये लोग उनको शत्रु रूप में है, तो तत्वतः शत्रु नहीं, तत्वतः चैतन्य लीला पुष्टि गए। वे लोग सबके सब
भगवान कृष्ण का वास्तविक चैतन्य महाप्रभु का लीला को पुष्टि करते हैं। जगाई माताई नहीं होते तो महाप्रभु का महावदान्यता उनका करुणा तक कहाँ प्रकाश होता। इसलिए तब तो लीला पुष्टि करते हैं। अगर इंद्र नहीं होता तो फिर कृष्ण गिरिराज क्यों धारण करते। और दूसरी बात है कृष्ण फिर उनको श्री नवद्वीप धाम पे स्थान दे दिया। बोले क्यों धारण किया था, बोले यद्यपि इंद्र ने कुछ गड़बड़ी की है लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी सेवा भी की है। बोले क्या सेवा की, बोले कृष्ण का जो सर्वश्रेष्ठ लीला तद ये रास लीला है। इसलिए कहते श्री इंद्र ने उनको रास लीला की प्लेटफॉर्म बनाया। बोले कैसे, बोले अभी रास लीला करने के लिए कृष्ण को ब्रज गोपियों की सहायता चाहिए क्योंकि अकेला रास लीला नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्रज गोपियों को तरह ही रास कर सकते हैं। अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रज गोपियों को भी कैसे आकर्षण करो, ऐसे कुछ काम करना पड़ेगा जैसे ये सबके सब आकर्षित हो जाए। बोले क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ बहादुरी दिखाना पड़ेगा जैसे कि हीरो हीरोइनी को आकर्षण करने के लिए कुछ बहादुरी काम करता है। उसी तरह श्याम सुंदर ने ये इंद्र को बुद्धि को भ्रमित करते हुए उन्होंने पानी वर्षण कराया और पानी वर्षण करने पर कृष्ण जब श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने एक हाथ और कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में सात दिन तक सात वर्ष गिरिराज और सात साल का बालक जब धारण किया, इन ब्रज गोपियां तो जिसको देख देख कर हैरान हो गई। बोले क्या पराक्रम है, जैसे कि छोटा बालक एक एक केत को हाथ में उठा लेता है उसी तरह श्याम सुंदर जब उठाया इतने में सारे को सारे ब्रज गोपी कृष्ण के चरण के संपूर्ण लुट गए। फिर तुमको रासलीला करने का प्लेटफॉर्म बन गया है, फिर ब्रज गोपियों को बुला कर तुमने रासलीला की। इसलिए इसी में इंद्र ने बड़े उनको मदद की है। इसलिए कृष्ण ने किया क्या, उनको स्थान कहाँ दे दिया, श्री नवद्वीप धाम में, और महाप्रभु का दर्शन बस उनको लाभ ही लाभ है। इसलिए आज हम लोग श्री गुरु जी को अनुदर्शन में वहीं पर गए थे। इसलिए हम लोगों को परम सौभाग्य है जो कि गुरु जी के अनुगत में श्री धाम नवद्वीप परिक्रमा करते हुए इस समस्त स्थान में जाकर के हम लोग भगवत भक्ति को और भगवत उन्मुख जो सुकृति और गौरव धाम में अगर कोई आए शंकर जी कहते पार्वती अभी श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट होकर के ये गौरव प्रेम को दे रहे हैं, गोपी प्रेम को दे रहे हैं, ब्रज प्रेम को दे रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर आए केवल यहाँ पर आते ही और यहाँ पर महाप्रभु का लीला स्थल में जाते ही अपने आप उनको ब्रज प्रेम और उसी में गोपी प्रेम अपने आप उसको मिल जाएगी। इसलिए ये एक विशेष लाभ है ये नवद्वीप धाम में आने का। मैं यही बोल करके अपना वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूँ। वंचातर उदर भस्म कृपा सुदय वचन कवितानां पावने भो गजने भो गोपी सब पिता का मंत्र राम
সেখানে সম্ভব নয় জানি মিলনের লীলা আর এই প্রবত্তির ধামের যে রয়েছে
এই কাজে বলা হয়েছে বিভিন্ন রকমের সেবা পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়েছে। এই জন্য গৌরসুন্দরের আনুগত্যে রাধা গোবিন্দের সেবা করলে আমাদের দুটি বস্তু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বৃন্দাবনের সেবা এবং নবদ্বীপ ধামের সেবা, অর্থাৎ প্রলম্ব এবং শম্ভু এই দুটি সেবা। এই জন্য আজ আমরা যে স্থানে গিয়েছিলাম পূর্ব শুক্রের আনুগত্যে, এখন কথা শ্রবণ করলেন যে গোত্রম দ্বীপ এবং গোত্রম দ্বীপের কথা আমরা শ্রবণ করলাম। বিশেষ করে আমরা সপ্তম গোস্বামী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন স্থলী এবং সেই স্থানে গিয়েছিলাম, সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবন চরিত, বিশেষ করে সপ্তম গোস্বামী বলে সমস্ত আচার্যগণ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে উপাধি দিয়েছেন। কেননা সর্বস্বামী যেরূপ ভাবে শ্রীমন মহাপ্রভুর সমস্ত প্রকার মনোভীষ্ট পূর্তি করেছিলেন, ঠিক তদ্রূপ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌরসুন্দরের সমস্ত প্রকার মনোভীষ্ট পূর্তি করেছেন। বিশেষ করে গৌরধাম, গৌর নাম এবং গৌরকান্তি পূর্ণ করেছেন। বিশেষ করে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অবদান বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে এই যে আজ আমরা যে নবদ্বীপ ধাম এবং মা অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর যে জন্মস্থান জন্মপীঠা, এর আবিষ্কারক এবং প্রকাশের মুখ্য ভূমিকা হলো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, যে কথাগুলো আমরা শ্রবণ করেছি। যদি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই জগতে না আসতেন তাহলে এই নবদ্বীপ ধামের মহিমা অধুরা থেকে যেত, অর্থাৎ পূর্ণ হতো না, অসম্পূর্ণ থেকে যেত। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্মমঞ্জুরি, তিনি গৌরসুন্দরের নিত্য পরিকর, তিনি এই জগতের মধ্যে এসে গৌরসুন্দরের নামের মহিমা, প্রেমের মহিমা এবং এই ধামের মহিমা তিনি তার গ্রন্থের মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন। আজ আমরা তারপরে গিয়েছিলাম হরিহর ক্ষেত্র, যেখানে হরি এবং হর, হরি মানে বিষ্ণু, হর মানে শিব, একাত্ম বোধ হওয়ার জন্য এই শব্দটা আমরা ব্যবহার করি যে হরি হর ক্ষেত্র। সেখানে স্যাম শিবজি তিনি তার বৈষ্ণবী শক্তি পার্বতী সহিত সেখানে বিরাজমান রয়েছেন, ওইখানে আপনারা দর্শন করেছেন বিগ্রহ, এর দুই দিক দর্শন করেছেন, একটা হচ্ছে শ্বেত বিগ্রহ আর একটা হচ্ছে কালো বিগ্রহ, কৃষ্ণ বিগ্রহ। তা কৃষ্ণ বিগ্রহ হলো কি না বিষ্ণু, বিষ্ণু তত্ত্ব, এবং শ্বেত বিগ্রহ হলো শিবতত্ত্ব। এখানে হরিহর একত্বের জন্য বলা হয়, একত্ব শব্দের বলা হয় সেখানে হরি, হরি তো শিব হয়ে যান কিন্তু শিব কখনো হরি হয় না। যেমন ব্রহ্মসংহিতার মধ্যে উদাহরণ যে কিরং যথা দধি দধি কার বিশেষ যোগা, এই শ্লোকের মধ্যে ব্রহ্মসংহিতার মধ্যে বলেছেন যে দুধের মধ্যে এমন কোন বস্তু যোগ করলে সেই দুধটা দধিতে পরিণত হয় কিন্তু দধি কখনো দুধেতে পরিণত হয়। অর্থাৎ স্বয়ং বিষ্ণুই তিনি বিষ্ণু কি করেন, তিনি শিবের কার্য আদি করেন। এই জন্য সাধারণত এই শিবের তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল, সাধারণ লোক শিব তত্ত্ব বুঝতে পারেন না, এখন সময় সঞ্চয় এই শিবের তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। শিব না পূর্ণরূপে ঈশ্বর তত্ত্ব, না পূর্ণরূপে মায়া তত্ত্ব, না পূর্ণরূপে জীবতত্ত্ব। এই জন্য শিব তত্ত্ব বলতে গেলে বলা হয় শঙ্কর অথবা একে বলা হয় বিষ্ণুর তত্ত্ব বলা হয়, অর্থাৎ বিষ্ণুর ভগবত্তার গুণ, ঈশ্বরত্ব গুণ শিবের মধ্যে রয়েছে, জীবের যে সমস্ত গুণ রয়েছে সেই সমস্ত গুণ পূর্ণ মাত্রা রূপে শিবের মধ্যে রয়েছে, জীবের 50টা গুণ অনুমাত্রায় রয়েছে, আর 55 প্রকারের আর 50 প্রকারের গুণ বৃহৎ রূপে দেবতার মধ্যে রয়েছে, আর শিবের মধ্যে 55 প্রকারের গুণ পূর্ণ রূপে রয়েছে, আর মায়ার যে গুণ তাও শিবের মধ্যে রয়েছে। এই জন্য শিব তত্ত্ব গঠন করতে গেলে মিশ্রণ তত্ত্ব বা সংগম তত্ত্ব বলা হয়। কিন্তু আমাদের আচার্য পাঠ বলছে যে এই শিব কি তত্ত্ব না, তিনি হচ্ছেন সংসার আদি ধ্বংস আদি করেন, যখন ভগবানের ইচ্ছা হয় যে এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করবার যখন তার ইচ্ছা হন তখন তিনি শিবের দ্বারা ধ্বংস করেন। এই জন্য কীর্তন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন ভগবানের ইচ্ছাতেই সমস্ত কিছু হয়, বিষ্ণুরূপে তিনি জীবকে পালন করেন আর ব্রহ্মারূপে তিনি
সকল সৃষ্টি কার্য আদি করেন আর সেম রূপে তিনি এই ধ্বংস আদি করেন। এই জন্য কখনো কখনো শাস্ত্রের মধ্যেও বলা হয়েছে যে শিবই শিবই বিষ্ণু বিষ্ণুই শিব। এই কথাগুলো বলার বিশেষ একটা তাৎপর্য রয়েছে শাস্ত্রের মধ্যেও রয়েছে, শাস্ত্রের মধ্যেও তাহা রয়েছে। কেননা শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে যে কোন শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে কি যে কোন জীব যদি সকল জন্ম এক শত জন্ম বর্ণাশ্রম ধর্ম ঠিক ঠিক রূপে পালন করে তখন সে ব্রহ্মা পদ প্রাপ্ত করবে। আবার এক শত কত বৎসর সে ব্রহ্মা যদি তার কার্যগুলি করে তখন তিনি আবার শিবত শিব শিবত্ব প্রাপ্ত করতে পারে। এই জন্য যে কল্পে কোন জীব ওই ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত করে আবার শিবের পদকে প্রাপ্ত করে সেই কল্পে তখন সেইখানে শিব হয় জীবতত্ত্ব। এই জন্য শিবের মধ্যে বলা হয়েছে জীবতত্ত্ব রয়েছে। আবার কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে প্রতি কল্পে এইরূপ তত্ত্ব পাওয়া যায় না, জীব পাওয়া যায় না, যে জীব ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত করে আবার শিবের পদকে প্রাপ্ত করে যে কল্পে পাওয়া যায় না সেই কল্পে স্বয়ং ভগবান নিজেই ব্রহ্মার আর্য তিনি করেন। এই জন্য ব্রহ্মার দুইটা কথা বলা হয়েছে, একটা হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা আর একটা বলা হচ্ছে বৈরাজ ব্রহ্মা। এই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম হলেন স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্ব আর বৈরাজ ব্রহ্ম হলেন জীবতত্ত্ব। ঠিক তদ্রূপ শিবের মধ্যে বলা হয়েছে যে কল্পে এইরূপ জীব পাওয়া যায় না যিনি শিবের পদ প্রাপ্ত করেন তখন সেই কল্পে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুই তিনি কি করেন না শিবের কার্য আদি করেন তখন সেই শিবকে বলা হয় সদাশিব তত্ত্ব। এই সদাশিব তত্ত্বই হল মূল আধার, তিনি হলেন বিষ্ণু তত্ত্ব। আবার এই সদাশিব তত্ত্বের তার প্রকাশ বা ছায়া এই শম্ভু বা কৈলাস যিনি এই কুমার সহিত এই সমস্ত কার্য আদি করেন যেগুলো ক্রমসংহিতার মধ্যে বলা হয়েছে বিস্তৃত রূপে। সময় সংক্ষেপের জন্য আমি একটু বিশেষ আলোচনা করছি, বিষয় অত্যন্ত জটিল। এই জন্য এই সংকর তত্ত্ব কখনো জীবতত্ত্বেতে এবং কখনো ঈশ্বর তত্ত্বেতে দেখা যায়। এই জন্য বলছেন যে এই জন্য শিব এবং বিষ্ণুর মধ্যে অভেদ করলে আমার দোষ হয়, আবার যদি ভেদ না করেন তাও দোষ হয়। এবং এই জন্য বিচারগুলো শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে, যেমন আমাদের নাম অপরাধের মধ্যে দ্বিতীয় নাম অপরাধ রয়েছে, শিবের সঙ্গে যদি বিষ্ণুর সঙ্গে একত্র বোধ করা হয় তখন সেখানে নাম অপরাধ। কিন্তু এগুলো বিশেষ রয়েছে যে কল্পে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু শিবের কার্য করেন সেখানে অর্থাৎ সদাশিবের যে কার্যগুলি করেন তখন সেই সদাশিব বিষ্ণু তত্ত্ব হওয়ার জন্য অভেদত্ব দেখানো হয়েছে। এই জন্য হরিহরের ক্ষেত্র আমরা এখানে গিয়েছি, বিশেষ করে এই শিব শিবটি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, ভগবানের সমস্ত দিনা পুষ্টির জন্য তিনি কি করেন কখনো ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, ভগবানের আদেশ পালন করেন, তিনি ভগবানের আজ্ঞাবাহী সেবক, ছায়া মেব কর্ম সচিবা। শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যে বলছেন সমস্ত দেবদেবীগণ হলেন ভগবানের কর্ম সচিব, কর্মসচিব মানে আজ্ঞাবাহী সেবক, তার আদেশ পালন করেন। এই জন্য বলা হয়েছে শিবকে কখনো অবজ্ঞা করতে নাই। এই জন্য শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যে সুখদেব গোস্বামী বা শিবটির অত্যন্ত ভুরি ভুরি প্রশংসা করেছেন, নিম্নানাং যথা গঙ্গা বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু। নিম্ন দেশের মধ্যে যত পবিত্র নদী আর নদীগণ রয়েছে, নদী রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ নদী হল এই গঙ্গা নদী, আর বৈষ্ণবের মধ্যে যত বৈষ্ণব রয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হল শিবজি। তিনি ভগবানের সমস্ত প্রকার লীলা পুষ্টি করেন, ভগবানের সেবা করেন, সেবকের মধ্যে সেবক তত্ত্বের মধ্যে বলা হয়েছে তিনি সেবক তত্ত্ব, ভগবানের তিনি সেবা করেন। এই জন্য বলা হয়েছে এই শিব তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। এমনকি তিনি হরিহর ক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষ করে বলেছে যে মহাবারাণসী বলা হয়, কেননা পুণ্ডরীক তিনি ভগবানের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যখন ভগবানের বিষ্ণু চক্র তাকে নিধন করে এবং তারই মিত্র কাশী নরেশ তার সহায়তা করে, আর এই কাশী নরেশ
কারণ ভুবনেশ্বর সেই ভুবনেশ্বরে গিয়ে এবং তার নিশ্চিত অপরাধ ভোজনের জন্য তিনি এইখানে এসে গৌর সুন্দরের উপাসনা করে যত কিছু দেখা যায় যত অপরাধী সমস্ত অপরাধী গৌর সুন্দরের ধামে এসে গৌর সুন্দরের উপাসনা করে তারা সমস্ত প্রকার অপরাধ থেকে মুক্ত হয়েছে আগে আপনার শুনুন ইন্দ্র ভগবানের চরণ অপরাধ করেছে ব্রহ্মা ব্রহ্মা তপস্যা আদি হরণ করে ভগবানের চরণ অপরাধ করেছে শিবজিও ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করে অপরাধ আদি করে তারা সব এই গৌর ধামে এসে তারা গৌর সুন্দরের প্রাপ্তি করে অপরাধ থেকে মুক্ত হয়েছে এই জন্য গৌর ধামের এত বেশি মহিমা শাস্ত্র মধ্যে বলা চৈতন্য চৈতন্যে বলা হয়েছে কৃপা প্রাপ্ত করেন স্বয়ং গৌর সুন্দর সেই সত্য যুগে সুবর্ণ সেনকে
তিনি স্বপ্নের মধ্যে তাকে দর্শন দিয়েছিলেন এবং ভগবান গৌরসুন্দর তাকে বলেছিলেন যে আমি কলিযুগে আমি এই নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হব, তুমি আমার নাম সংকীর্তনে সহায়তা করবে। সেই সুপর্ণ সেন এই মহাপ্রভুর প্রকট লীলাকে তিনি বুদ্ধিমন্ত খান রূপে তিনি প্রপাধন এবং মহাপ্রভুর প্রভূত তিনি সেবা সেবা করেন। বিশেষ করে মহাপ্রভুর বিবাহ আদিতে সময় তিনি সমস্ত প্রকার তিনি খরচ আদি বহন করেছিলেন। কত সুন্দরে বিশেষ করে আবার যখন তিনি জগন্নাথ পুরীতে ছিলেন তখন তিনিও মহাপ্রভু অনেক প্রকারে সেবা করেছেন। এই জন্য এই স্থানের ভক্তদের স্থান ওই স্থানে আমরা গিয়েছি, ওই স্থানকে আমরা প্রণাম করেছি এবং ওই ভক্তের সঙ্গ এবং তাদের মহিমা স্মরণ করলে আমাদের চিত্ত মঙ্গল হবে। এই জন্য সকল মহাপুরুষের নামে আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের হৃদয় নির্মল হয় এবং মহাপুরুষের अभी ड्रामा होगी, अखने ड्रामा होगी इंग्लिश ड्रामा और महाराज जी हम दे आर स्पीकिंग अबाउट नरसिंह देव नरसिंह गोपल्ले देव गोपल्ले माइंड में Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sabai Bolo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. So by the causeless mercy of Sri Guru and Sri Gauranga, our Parikrama, Navadvipa Parikrama Party,